नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका अहम न्यूज पर। देखते हैं आज की अहम खबर जियागुड़े से। नाजरीन, जियागुड़े पर कुछ रोड का फुटपाथ की जगह पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आज कॉपरेटर मित्रा कृष्णा ने वहां पर काम शुरू कर दिया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे राजकुमार की ये न्यूज। पुराना पुल चौरस्ते के प्रांगण में जो बहुत सालों से फुटपाथ बिगड़ा हुआ था, तो आदरणीय हमारे एमएलए साहब के सौजन्य से फुटपाथ डेवलपमेंट के तालुका से जीएचएम की जानिब से 24 लाख के लागत से कार्यक्रम काम को अंजाम दिए गए, और मैं समझता हूँ एक 10-15 दिन के अंदर ये काम पूरा होगा। दो दिन तो बकरीद है होने के खातर दो दिन काम रुकेगा। हमारे सीनियर कॉन्ट्रैक्टर, क्या नाम, काजिम भाई के कॉन्ट्रैक्ट में उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। और फुटपाथ रहने से जो हमारे को जो मेन पुराना पुल जो जंक्शन है, बहुत ही ट्रैफिक का दिक्कत था। अब फुटपाथ रहने से लोग फुटपाथ पे चलने के लिए और फुटपाथ बनाने से जो पैदल जो भी जाएंगे वो फुटपाथ पे से जाएंगे, या टू व्हीलर हो फुटपाथ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि एक्सीडेंट होने का आदेशा कम रहेगा। या और पुराना पुल का जो जंक्शन डेवलपमेंट के जो आजू बाजू जो फुटपाथ है उसको हम लोग खूबसूरत बनाने के लिए और ग्रीनरी बनाने के लिए जीएचएमसी के जानिब से आज 26 लाख का लागत से ये फुटपाथ डेवलपमेंट किया है। दो तरफ फुटपाथ है और मैं समझता हूँ ये 15-20 दिन के अंदर ये काम होगा। मैं एमएलए साहब का, हमारे केटीआर साहब का, टीआरएस पार्टी के जानिब से मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जल्द से जल्द पुराना पुल का जंक्शन डेवलपमेंट का भी काम शुरू होगा, और साथ ही साथ जो बाईपास रोड का डेवलपमेंट का जो हमें प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के जानिब से वो भी ग्रीनरी का काम भी जल्द से शुरू हो जाएगा। मैं फिर एक बार एमएलए साहब का और जीएचएमसी का मैं बहुत दिल के गहराई से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसी तरह जो हम जियागुड़े का जो विकास के मार्ग पे चल के जो हमारा जो जियागुड़े का डिवीज़न है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके सबका विकास के साथ हम गंगा जमुना तहजीब को बरकरार करते हुए डेवलपमेंट के रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ रहे, मैं सभी को फिर एक दिल के गहराइयों से जो
मच्छियाँ बेच देते हैं, जो चिकन जो भी बेच देते हैं उनके लिए फुटपाथ रहने से उनको बेचने के लिए सौदा हो जाती, और उनके सामने जो लोग भी खरीदने वाले उनको भी पार्किंग का ईजी होता। और मैं जितने भी यहाँ पर भाई जो चिकन हो या बोटी सामान जो भी बेचते हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रैफिक को दिक्कत नहीं आते हुए अपना कारोबार करना, बल्कि फिर एक बार उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद। हिता दूर कर रहे हैं। रजक समाज का जो बोर का काम है उसका भी जल्द से जल्द अंजाम दे के टॉयलेट ये दो कामों का भी मरम्मत करेंगे जल्द। थैंक यू।